गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जीपीसी डूंगरपुर। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल एग्ज़ाम 2016 का डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा अपना, 30 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक क्वेश्चन है वो एक अंक का रहेगा। तो ये 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, OLAP का पूरा नाम है। OLAP का पूरा नाम होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर टू, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट्स, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हटाते हैं जब हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा इंटीग्रेट करके डेटा वेयरहाउस में स्टोर करते हैं तब। और डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है डेटा क्लीनिंग। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्मॉलर लोकल डेटा वेयरहाउस इज कॉल्ड। तो छोटा जो डेटा वेयरहाउस होता है उसको बोलते हैं डेटा मार्ट। कई सारे छोटे छोटे डेटा मार्ट को मिला के एक डेटा वेयरहाउस बनता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्न में से कौन सा डेटा माइनिंग टास्क है। तो डेटा माइनिंग टास्क है उसमें रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग तीनों चीज़ें आती है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर फाइव है, डेटा वेयरहाउस होता है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, डेटा वेयरहाउस है वो रीड ओनली होता है, सिर्फ उसमें से इन्फॉर्मेशन रीड की जाती है, क्योंकि उसमें हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन रहती है, उसमें कुछ भी राइट करना नहीं होता है जब उसको काम में ले रहे होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। डेटा वेयरहाउस में DSS का विस्तार है। DSS की फुल फॉर्म होती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर सेवन है, रिकॉर्ड कैन नॉट बी अपडेटेड इन द फॉलोइंग। तो रिकॉर्ड किस में अपडेट नहीं होते, डेटा वेयरहाउस में अपडेट नहीं होते। डी ऑप्शन सही है। अभी हमने देखा ना, ये रीड ओनली होता है, राइट नहीं करते हैं इसके अंदर, इसलिए अपडेट नहीं होते हैं। डेटा वेयरहाउस की संरचना निम्न पर आधारित है। तो डेटा वेयरहाउस याद रखना, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर पर आधारित है, RDBMS पर। ऑप्शन बी सही है। एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया कौन सी है, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग है वो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर टेन है, कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इनटू ए कॉमन फॉर्मेट इज कॉल्ड। तो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को एक कॉमन फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऑप्शन सी सही है। गलत या लुप्त डेटा का साथ व्यवहार कहलाता है, ट्रीटिंग विथ इनकरेक्ट और मिसिंग डेटा। तो प्री प्रोसेसिंग है, उसके अंदर हम इनकरेक्ट और मिसिंग जो डेटा है उनको ट्रीट करते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, GA का फुल फॉर्म। GA का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में डेटा जमा, वापस, प्राप्त और अपडेट किया जाता है। तो डेटा स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं और अपडेट करते हैं, तो वो OLTP में होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, या इसको बोलते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस में हो सकता है। KDD बताता है, KDD क्या डिस्क्राइब करता है, KDD है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, वोल्व प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज फ्रॉम डेटा। डेटा में से जानकारी का सार निकालने की पूरी प्रक्रिया है, उसको KDD बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पार्टीशन ऑफ ओवरऑल डेटा वेयरहाउस। जो ओवरऑल डेटा वेयरहाउस है उसका पार्टीशन क्या कहलाता है, डेटा मार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, जेनेटिक एल्गोरिथम किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, किसने दी थी जेनेटिक एल्गोरिथम। ए ऑप्शन सही है, जॉन होलैंड ने जेनेटिक एल्गोरिथम प्रपोज की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, डेटा माइनिंग टूल्स एंड क्यूरी टूल्स आर। डेटा माइनिंग टूल्स एंड क्यूरी टूल्स ये दोनों डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूरल नेटवर्क आर मॉडल्ड ऑन। तो न्यूरल नेटवर्क है वो मानव का मस्तिष्क होता है, ह्यूमन ब्रेन होता है, उस पर आधारित होता है। जैसे हमारा मानव
का जो मस्तिष्क होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है जिसको न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, उसी पर आधारित होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 20 है, द परफॉर्मेंस ऑफ इज बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्लासिफिकेशन रूल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग। क्लासिफिकेशन रूल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से किए जाते हैं, डिसीजन ट्री से। क्वेश्चन नंबर 22 है, द टर्म इक्वलिटी एंड रोल अप आर एसोसिएटेड विथ। तो इक्वलिटी एंड रोल अप टर्म है वो डेटा मार्ट से एसोसिएटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है डेटा के बारे में, डेटा डेटा अबाउट डेटा, इसको क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। क्वेश्चन नंबर 24 है, डेटा मार्ट के डेटा स्ट्रक्चर निर्धारण में निम्न में से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डेटा मार्ट का जो डेटा स्ट्रक्चर का निर्धारण होता है तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण होता है डेटा एक्सेस टूल्स टू बी यूज्ड, जो टूल हम यूज लेंगे डेटा एक्सेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन वर्तमान तथा पुराने दोनों डेटा ट्रांजेक्शन को संभालता है। तो करंट और हिस्ट्रिक ट्रांजेक्शन दोनों को जो संभालता है वो OLAP होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। डेटा माइनिंग में क्लासिफिकेशन के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। डेटा माइनिंग में क्लासिफिकेशन के लिए डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। विभिन्न प्रकार के मेटाडेटा क्या है, विभिन्न प्रकार के मेटाडेटा है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, बिजनेस है, ऑपरेशनल है, तीनों तरह के। निम्न में से कौन सा डिसीजन ट्री नोड नहीं है। तो डिसीजन ट्री में सबसे ऊपर वाला जो नोड होता है रूट नोड बोलते हैं, उसके बाद में बीच में जो आते हैं उनको इंटरनल नोड बोलते हैं, सबसे जो लास्ट में रहते हैं किनारों पर उनको बोलते हैं लीफ नोड। तो प्रीडिक्टेड नोड टाइप का कोई नोड उसमें नहीं होता है डिसीजन ट्री में। OLAP टूल यूज्ड फॉर, OLAP टूल है वो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा इज कॉल्ड। तो नॉलेज डिस्कवरी होती है डेटा से, उसको बोलते हैं डेटा माइनिंग।